हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज की हम क्लास में करने वाले क्वेश्चन नंबर 201 से आगे का हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमने ऑलरेडी 200 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है, आज की वीडियो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी की PDF है, 400 क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी HP टेट में, जो आपके पूछे जा सकते हैं। और 100% मैं गारंटी देता हूँ कि हर किसी स्ट्रीम को यहाँ से 10 से 15 नंबर आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस PDF को लेना चाहें तो ये PDF एट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो आप इस PDF को परचेज भी कर सकते हैं। 65 रुपीज़ इसका अमाउंट है। और आपको परचेज कैसे करनी है, 9817783916 यह आपका गूगल पे नंबर है, और इस गूगल पे नंबर पे आपने 65 रुपीज़ अमाउंट पे करना है, और यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देना है। आपको जो है व्हाट्सएप पे ही PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, देख लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य शब्द को किसने दिया। तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द है किसके द्वारा ये दिया गया था, तो ये दिया गया था आपकी विलियम स्विट्जर द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन याद रखना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कवर करना पड़ता है कम से कम समय में, इसलिए डायरेक्ट ये वन लाइनर क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। पियाजे द्वारा संवेदी मोटर जो आपका चरण है, यानी कि पियाजे की जो 4 आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्टेज बताई है, तो वो किस आयु वर्ग को दिखाता है। तो पियाजे का जो संवेदी मोटर है वो किस आयु वर्ग को दिखाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जन्म से 2 वर्ष तक की जो आपके बच्चे की आयु है, ये संवेदी चरण आपका इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। साथ ही जो आप ये कमेंट करेंगे कि इंग्लिश में जो है इसको संवेदी चरण को क्या कहा जाता है, ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बता दूं, पियाजी ने 4 स्टडीज़ दी थी आपको, मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। 4 स्टडीज़ है, कौन से पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, तो ये सभी आप जो है कमेंट करेंगे। इंग्लिश में चारों स्टेजेस आपने जो है कमेंट करनी है, केवल इंग्लिश में ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इसको जो है समझना टफ हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 203, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता क्या है। जैसे जैसे बच्चे का जो है विकास होता है, उसकी शरीर के उसकी जो है बनावट, यानी कि उसका जो है उसके साथ साथ उसका जो है मानसिक क्षमता भी उसकी बढ़ती है, तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो अगर मैं बात करूँ समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन की जो है सबसे पहले बच्चा जो है कहाँ सीखता है, एक परिवार में। परिवार जो है उसके लिए एक छोटा सा एक समाज का एक रूप है। उसके बाद जो है उसकी जो पाठशाला होती है वो होती है आपका जो है स्कूल। इम्पोर्टेंट है याद रखना है। तो बालक के समाजीकरण की जो पहली पाठशाला है, तो उसका जो पहला स्थान किसका होता है, ये परिवार का होता है। उसके बाद आपका स्कूल आता है, और उसके बाद आपका सोसाइटी आती है। इम्पोर्टेंट है ये इफेक्ट आपने याद रखने हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस शिक्षा से संबंधित है, तो ये आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को जो ध्यान में रखकर इसको जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था, यानी कि प्राथमिक स्कूलों में ऐसे जो है चीज़ें आपकी उपलब्ध करवाई जाए जो कि मूलभूत रूप से जो है आवश्यक है किसी भी एक जो है स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए। मान लीजिए कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का जो क्या लक्ष्य था, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें कि जो है बारिश और जो धूप से बचा जा सके। इसके अलावा जो उसमें एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, इस तरह की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर आपकी जो है सम्मिलित की गई थी। बात करूँ जी ये कब आया था, 1986 की जो पॉलिसी थी उसका जो रिकमेंडेशन थी आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं HP टेट की ही बात करूँ, उसमें ये कहा गया है कि आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1990 में आपका देखने को मिला। हो सकता है कि 1986 में ये रिकमेंड किया गया हो, ऐसा हो सकता है, और 90 से जो इसने अपना जो है वास्तविक तौर पे अपना कार्य शुरू किया या फिर इम्प्लीमेंट हो पाया है 19 में, तो ये दोनों डेटे आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है किसका किया गया था, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे आप आधार शिक्षा भी कहेंगे। आधार शिक्षा भी इसी से संबंधित है। 1937 में ये कॉन्सेप्ट आपका जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था महात्मा गांधी ने, बाल केंद्रित शिक्षा के वो पक्ष में थे, जिसे उन्होंने बेसिक एजुकेशन या आधार शिक्षा के साथ इसको जो है इंक्लूड किया था। इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है।
1986 की नई शिक्षा का प्रथम बार पुनर्विलोकन करने वाली समिति की अध्यक्ष थी। तो ये थे आचार्य राममूर्ति, इम्पोर्टेंट है ये आपने याद रखना है। इसके अलावा 1966 की अगर मैं बात करूँ यानी कि कोठारी कमीशन, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके दौलत सिंह कोठारी थे, इम्पोर्टेंट है ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधान की किस धारा में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सरकार को सौंपा गया है? तो ये आपका है 45 आर्टिकल। अगर आप 45 देखें, इम्पोर्टेंट है, आपको जो है दो आर्टिकल में याद करने के लिए दे रहा हूँ, एक है आर्टिकल 45, इसको आप देख लेना, इसके अलावा दो नहीं आपको चार देता हूँ, क्योंकि ये सभी सेम सेम आपके लगे देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 46 ये भी आपने देखने हैं, आर्टिकल 45 और 46 दो, इसके अलावा आर्टिकल 29 ये आप एक बार देख लीजिए, और आर्टिकल 21A। तो ये आपके चार आर्टिकल है जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित है और ये इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे के साथ ये सभी रिलेटेड है, इसको आप एक बार जाकर देखना, नहीं तो आप क्या करें कि एक अलग से मैंने जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पॉलिटिकल का जो फोल्डर है, पॉलिटिकल साइंस का जो फोल्डर है आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ, उसमें जो ये वीडियो मिल जाएगी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें मैंने ये करवाया है और इसमें शिक्षा संबंधित मैंने डिटेल में बताया कि कब कब आपका क्या क्या प्रावधान था, राजनीति निदेशक सिद्धांत आपकी किस तरह से जो है इफेक्ट करते हैं आपके जो है शिक्षा को, और इसी तरह जो आपके मौलिक अधिकार में जो इसका वर्णन किया गया, मौलिक अधिकार में इसको सम्मिलित किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आपके पास, 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक शैक्षिक योजना प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है सार्जेंट योजना, इंपॉर्टेंट है, सार्जेंट योजना आपकी जो है, सार्जेंट जो योजना है ये आपकी किससे संबंधित थी, ये शैक्षणिक एक योजना थी जो कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने जो इसको जो है रिकमेंड किया था, इंपॉर्टेंट है ये आपने ध्यान रखना है। कक्षा कार्य के विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में होनी चाहिए उसकी विशेषज्ञता और उसका अनुभव, यानी कि उसकी दक्षता और आपका एक्सपीरियंस, ये इम्पोर्टेंट है ये आपने याद रखना है। अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आदि कैसे होने चाहिए? तो मर्यादा पूर्ण होने चाहिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर क्या है आपका एक आइडल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो उसको जो है तो अपना थोड़ा सा मर्यादा का उसको जो है ध्यान रखना चाहिए, जिसका कि मैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखता हूँ, आई होप आप भी रखते होंगे। कक्षा में किसी विषय के प्रति विद्यार्थी की अभिरुचि बढ़ाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, तो अध्यापक को क्या चाहिए कि विषय की नई नई आपकी जो अध्ययन अध्यापन विधियां है उनको जो है अपनाए, जिससे कि जो है आपका जो है जितने आपके चाइल्ड है या फिर आपके बच्चे हैं सीखने वाले छात्र हैं उनको जो है आपकी एक इंटरेस्ट आपका जो है बना रहे आपके पढ़ाते समय। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न आपके पास, यदि अपनी कक्षा का बच्चा दूसरों की चीज़ें तथा पैसे चुराता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपका जो एक बच्चा है आपकी क्लास का वो दूसरों की चीज़ें और पैसे चुराता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उसकी जो समस्या का समाधान के लिए आपको उसके समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हो सकता है उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है ये गलत आदत हो, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, तो ये सभी चीज़ें आप देखेंगे और ये आपके पास जो ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन के हिसाब से ये आपको जो सुइटेबल लगेगा थोड़ा सा आपने सोचना है अपने नज़रिए से, ये आपका जो है स्टूडेंट सेंटर ना होकर ये आपका जो है टीचर सेंटर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके साइकोलॉजी में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है स्टूडेंट सेंटर, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि स्टूडेंट पर फोकस किया गया है या स्टूडेंट की आवश्यकताओं के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये आपका अध्यापक सेंटर है यानी कि आपका टीचर सेंटर है, तो इसमें टीचर की जो आपकी ये है कि टीचर आपका जो 8% क्या निर्णय लेता है, किस तरह का जो एक व्यवहार उसका देखने को मिलता है, तो ये टीचर सेंटर है तो आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, से प्रतिभाशाली छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रतिभाशाली जो आपके छात्र हैं, प्रतिभाशाली आपको पता है 140 से ऊपर का जिनका IQ है वो आपके जो है प्रतिभाशाली बालक है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र में अधिक कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि जो है उनका विकास अवरुद्ध ना हो सके और वो अपने क्षेत्र में बेहतर उसके परिणाम दे सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगर आपके पास अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य में वेतन कम क्यों दिया जाता है? इस व्यवसाय में संगतता का अभाव है, ये आपका इसका विशेष कारण है, आई होप ये सभी को आपको पता होगा, क्योंकि आप जो है एक जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे भलीभांति ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर
216 देख लेते हैं। 216, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है? तो अध्यापक का अध्यापन कार्य रोचक बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अध्यापक क्या है अपने जो अध्यापन को जो है अधिक जो इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि जो है बच्चा क्या है, बच्चा जो है ज़्यादा जल्दी बोर ना हो, परेशान ना हो, और वह सीखने में जो है एक जो है बोरनेस, उदासीपन जो उसके अंदर ना आए। यदि कोई छात्र स्वाभाविक रूप से स्कूल में हमेशा देर से आता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देर से क्यों आ रहा है कारण जानने का सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि इसके अतिरिक्त उसकी समस्या को सुनना चाहिए। हो सकता है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन अवेलेबल ना हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो है ये देर से आने का जो है वो बहाने बना रहा हो। इस तरह की जो चीज़ें उसको जानने का एक जो है दायित्व तो बनता है अध्यापक का कि उसकी समस्या को सुने, समझे और उसको बाद में जो है उसके अनुसार उसका जो है निदान करे, डायग्नोज करने की उसकी कोशिश करे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, आपके पास छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु कौन सी पत्ती सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो पुरस्कार पत्ती। तो पुरस्कार से क्या होगा, छात्र में जो है अच्छे गुणों का जो है विकास होगा। अच्छे गुणों का विकास कैसे होगा कि उसके अंदर जो एक ऐसी भावना आएगी कि नहीं, कि मुझे हमेशा जो ऐसे ही कार्य करने हैं जो किसे प्रोत्साहित करेंगे अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि उसके रीइन्फोर्समेंट के तौर पर उसको जो है उसका पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जिससे कि वह खुद के ऊपर जो है गर्व महसूस करता है। तो इस तरह के जो ये आपके लिए छात्रों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं इस तरह के रिइन्फोर्समेंट, और हो सके तो आप भी इनको जो है ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपने समय में पढ़ा रहे होंगे। यदि छात्र कक्षा में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि छात्र कक्षा में अपनी जिज्ञासा तो होती है आपकी, क्यूरियोसिटी होती है आपकी, तो ये इसको जो है शांत करने के लिए आपसे जो है प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, विषय से संबंधित प्रश्न आपके जो है पूछने पर उनकी जो है प्रशंसा करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अपनी जिज्ञासा के कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछे लगे, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जो सभी जो आपके दूसरे स्टूडेंट हैं हो सकता है कि वो उस तरह के जो है क्वेश्चन आंसर में जो इंटरेस्टेड ना हो। तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, कक्षा की बात की गई है, कक्षा में जो अपनी जिज्ञासा को अगर वो शांत करना चाहता है, वो प्रश्न पूछता है, अगर वो विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि जो दूसरे बच्चे भी जो है उस तरह के जो क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो उसको वो 8% वहाँ पर पूछ कर उनका जो है डायग्नोज कर सके। तो आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी होने वाली है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना बताकर डायरेक्ट इसको वन लाइनर ही करता हूँ। अध्ययन कार्य में कमजोर छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए, तो ये आपका सहानुभूतिपूर्ण। छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, यानी कि उनको अवसर देने चाहिए उनसे क्वेश्चन पूछने के, उनको जो एक ऐसा वातावरण जो है प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि उनके अंदर डर और झिझक ना होकर अपने जो है कोई भी उनके जो है इंक्वायरीज रहती है उनको जो है वो आपके सामने ला सके और आप उनका जो है निदान कर सके। अगला प्रश्न आपके पास, डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइट का पूर्ण रूप क्या है, डाइट यानी कि ये GBT वाला डाइट है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है, GBT वालों की ऑलरेडी आता होगा। कई बार इस तरह के जो आसान क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, हम सुनते तो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लेकिन आपको जो है डायरेक्ट उसका आंसर नहीं पता होता। बच्चों के भावी जीवन का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ये आपकी बाल्यावस्था में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? तो ये क्या है कि लिखना जो है पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये फ्राबेल का ऐसा मानना है कि लिखना है वो पढ़ने से पहले आपको जो है सीखना चाहिए, यानी कि लिखना पहले आने चाहिए, उसके बाद जो है ही आप पढ़ाई जो है पढ़ना आप सीख सकते हैं, ऐसा विचार माना गया फ्राबेल द्वारा। अपना काम मन लगाकर करने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन देने का सर्वोत्तम उपाय है तो समय समय पर उनके कार्य की प्रशंसा करना। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा, जो भी आपका हेड ऑफ द स्कूल, उसका ये काम है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो लिखित कार्य पूरे करने के तुरंत बाद, यानी कि साथ साथ पेंडिंग में कोई भी कार्य आप ना रखें तो बेहतर होगा। टीचर भी इसमें जो है इंक्लूड होगा और आपके स्टूडेंट भी, ताकि जो है एक काम करने का जो एक सिस्टम होता है वो आपका प्रॉपर चल सके, और बच्चा भी जो है अपने को जो ऐसा फेल ना करे कि उनका जो है कार्य कोई देख ही नहीं रहा, तो यानी कि लापरवाह ना हो जाए, तो इसके लिए आपको साथ साथ ऐसा करना चाहिए। यदि कोई छात्र आपके सामने किसी दूसरे शिक्षक की आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं उसमें, जो आप उनकी जो है उपेक्षा करेंगे, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ना केवल आपके लिए, सभी टीचरों के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है उसका, तो ये कहा जाएगा उसका शिक्षा के लिए दक्षण, शिक्षा के लिए दर्शन। और ये जो है मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया 8 से 10 दिन पहले, जिसको मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इनका जो है मुख्य विशेषता एक ही थी, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। कॉलेजों के समूह को क्या कहते हैं, तो कॉलेजों के समूह को कहा जाता है फेडरल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किसने शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया, तो स्टालिन द्वारा जो है शिक्षा में जो है समाजवाद को प्रचलित किया गया था। एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाई किससे होगी, तो स्वतंत्र अध्ययन से होगी। इसके अलावा अगला है रचनात्मकता किसके साथ बढ़ेगी, तो ये इच्छा के साथ आपकी बढ़ती है। कौन वह पहला आदमी जिसने अमान्य परिकल्पना का वर्णन किया, तो ये किया गया था आपके रोनाल्ड फिशर द्वारा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, आप बेशक इसकी पीडीएफ ना लेना चाहे, वीडियोस आपके लिए सभी अवेलेबल है, सभी पीडीएफ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कंप्लीट हो जाएगी। 250 आज हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपकी बाकी के 150 क्वेश्चन बच गए, वो भी आपके धीरे धीरे हम कर देंगे। बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है खेलकूद और मनोरंजन। अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह का स्वेटर पहनने दिया जाए जैसे उसकी शिक्षिका पहनती है, तो इस तरह के बर्ताव को क्या कहेंगे, तो इसे कहेगा एकात्मीकरण, की यानी कि सेम वही चीज़ उसको भी चाहिए जिसके लिए कि वो क्या है जिद भी करती है, तो इस तरह का एकात्मीकरण का ये आपका एक उदाहरण है। निगमनात्मक शिक्षण की पद्धति क्या है, तो निगमनात्मक शिक्षण की पद्धति है आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को श्रमण माना जाता है, तो बौद्धिक आपकी शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को जो है श्रमण माना जाता है। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लगातार शिक्षा देना। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसे लगातार शिक्षा देना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो खुद अपने जो गलतियों को समझने लगेगा, अपने व्यवहार के कारण वो खुद को जो है असहाय लगेगा या कहे उसके अपमानित वो महसूस करेगा, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है आपके पास उसे लगातार शिक्षा प्रदान की जाए। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि वन फैक्टर थ्योरी की बात की गई है, इंटेलिजेंस की वन फैक्टर थ्योरी आपके किसके द्वारा दी गई, बिने द्वारा। वहीं टू फैक्टर की बात करें तो ये आपकी स्पीयरमैन द्वारा दी गई है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है तो ये होता है आपकी अंतर्मुख। इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन है, तो ये आपका किससे संबंधित है, आपके मानसिक विकास से। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो है माना जाता है, तो ये माना जाएगा आपके सामान्य बुद्धि लब्धि। वैसे जो सामान्य बुद्धि लब्धि वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है, लेकिन टर्मन ने इसको 90 से 100 तक बताया, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, गिलफोर्ड की अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो ये सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है। व्यवहार के SR संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया, तो ये आपके वुडवर्थ द्वारा किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी ये CTET की एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है कथन है, तो ये आपका सोरेनसन का। इम्पोर्टेंट है ये भी आपने याद रखना है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपके फ्रायड द्वारा इसे ऐसा दिया गया था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है, विद्रोह की जो भावना है वो किस अवस्था से संबंधित है, ये आपकी मध्य किशोरावस्था से। इम्पोर्टेंट है ये आपने याद रखना है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी है, तो ये किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो द्वारा जो ये परिभाषा आपकी दी गई थी। और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न भी रहेगा। 251 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको जो है ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। साथ ही अगर आप PDF लेना चाहें तो आपको प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आप PDF भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी और PDF भी अवेलेबल है। HPTET प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी, SST, HPG के इंग्लिश नोट्स, ये सभी PDF आपको जो है अवेलेबल है। 250 इसका जो है अमाउंट रखा गया, अगर आप इसको भी लेना चाहते प्रोसेस वही है। 250 अमाउंट आप पे करने के बाद स्क्रीनशॉट आप जो है सेंड कर दीजिएगा, आपको PDF व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है और आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम आता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।